नमस्कार। एक क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 8, इसका चौथा भाग हम इस वीडियो में कर रहे हैं। यह है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab² सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया, इसे क्यूब बनाएंगे। परफेक्ट। सबसे पहले मैं यहां पर एक क्यूब बनाना चाहता हूं। देखो a³ है, a ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा तो a का क्यूब बन जाएगा a³। आगे है 64। अब मुझे देखना कि या इस ब्रैकेट में मैं अंदर क्या लिखूं जिसका क्यूब 64 बन जाए। तो थोड़ा सा अगर आपने क्यूब्स को ध्यान से पढ़ा है तो हमें पता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब होता है 64। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर मैं 4 लिखूंगा ताकि 4 का क्यूब बन जाए 64। माइनस यहां फिर से एक क्यूब बनाऊंगा, बी क्यूब है तो बी अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के ताकि बी का क्यूब बन जाए बी क्यूब। 27 क्या नंबर लिखूं जिसका क्यूब 27 होगा, 3, 3 तिया 9 होती है 27, तो 3 बी का होल क्यूब बन जाएगा 27 बी क्यूब। अभी आ गया ए और बी। अब आगे इसको बनाएंगे माइनस 3ab, ए है 4a, बी है 3b, इंटू ए माइनस बी, ए है 4a माइनस बी है 3b। एक बार हम इसको हमेशा की तरह क्रॉस चेक करेंगे कि हमने ये ठीक किया या नहीं। देखो कैसे, 3 चौके 12 तिया 36, ए इंटू बी 36ab, ठीक है। तो ये तीन नंबर्स को गुना करके आया है 36ab। इस 36ab को जब 4 से गुना करेंगे तो 36 चौके होता है 144, ए गुना ए हो गया a², तो 144a² b, ठीक है। साथ में ये वाला माइनस, तो माइनस 144a² b, ये कहां से आया, ये इसको पहले नंबर से गुना करके आया, तो माइनस 144a² b माइनस 144a² b। इसको तोड़ के मैंने ये कर दिया, ये ठीक है। फिर से देखो, इन तीनों को गुना करके हमारे पास आया था 36ab 36ab, 36ab को 3 से माइनस 3b से गुना कर दो, ये माइनस आया था साथ में, माइनस है ना ये, तो माइनस 36ab को माइनस 3b से गुना करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 36 दिया होता है 108, a यहां नहीं है तो a, b इंटू बी हो गया b², तो ये बन गया 108ab² तो देखो 108ab². इसका मतलब इन दो रकमों को मैं ऐसे लिखता हूं, ये बिल्कुल ठीक है। ये स्टेप बनाना ही सबसे मेन काम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारे पास सर्वसमिका है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये सर्वसमिका किसके बराबर होती है, a माइनस बी होल क्यूब के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये जो हमारा ऊपर वाला स्टेप था 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये बन गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और ये बराबर होगा a माइनस बी होल क्यूब के। a किसके बराबर है, 4a के बराबर, माइनस b किसके बराबर है, 3b के बराबर, तो यह है a माइनस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब, और होल क्यूब का मतलब ये ब्रैकेट इसी ब्रैकेट से 3 बार गुना हो जाएगी, यानी 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ठीक है बच्चों। तो ये इसका गुणनखंड आ गया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।